रियली गुड टू सी यू विकास। क्या सोचा था आपने कि इतना कामयाब होगा ये शो? नहीं, इस तरह की लोकप्रियता मिली है और जब पूरा प्रोजेक्ट चालू किया था, आई वॉज होपिंग दैट द शो विल बी लाइक्ड। आई डिडंट रियलाइज वो चैनल का नंबर वन शो बन जाएगा और इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और इतना ज़्यादा वाहवाही मिलेगी। कल मैं एक वेडिंग में गया था रात के टाइम, इट वॉज माई कलीग्स वेडिंग, क्लोई की शादी थी, सो देर वॉज अ होल बालाजी फैमिली विच हैड कम, ऑल द एक्टर्स, ऑल द लीड्स वर देयर। एंड सो आफ्टर बिग बॉस नो वॉट हैड हैपेंड वाज, दैट्स ओके, सो आई गॉट टू दिस वेडिंग, वहाँ पर वी हैड ऑल द लीड्स ऑफ बालाजी वर ऑल्सो देयर। एंड इट्स यार एक बात ख़त्म कर लें आप लोग यहाँ पर ना, यहीं पर कर लो फिर या फिर बाहर कर लो, इट इज जस्ट वेरी वियर्ड बिकॉज आई एम माई चेन ऑफ थाट्स आर मूविंग। हु इज़ देयर, सामने से हटिएगा प्लीज, बाहर चले जाओ, हु एवर इज टॉकिंग प्लीज। सॉरी कहाँ से शुरू करूँ मैं? दरवाज़ा बंद कर लें प्लीज। So yesterday I had gone to this wedding, Chloe ki shaadi thi, or Chloe is my colleague from Balaji and I've known her for some 10-12 years, and the entire Balaji gang was there, all the leads, Ekta was there, and so kya hua tha ki after Big Boss, no, wherever I would go, a lot of people would give me a lot of love, mostly grown-up people, but this time when I went there, the kids went crazy, matlab from the 13-year-olds to the 17-year-olds, there was just so much of love that I got, and everyone was just talking about Ace of Space, Ace of Space, Ace of Space, and I was just so happy. मेरा contestant favorite ये है, अब क्या हुआ next, और आप ये बोलते हो, जब आप ऐसे बोलते हो तो, so I just realized that, you know, that's how exactly when you get your actual reactions, ratings आई, we are very happy, superb है, but when you see the reaction automatically, it's amazing. You become aspirational for a 14-year-old boy, and that's superb. क्या मानते हैं एक नया नए मकाम पे पहुंचते हैं, जब मैं 14 साल के लोगों बच्चों की बात करता हूं, 17 साल के, और ये सच भी है, it's a fact. You know, there are kids who love ASO space. अब मानते हैं एक नई ऑडियंस जनरेट की है. Absolutely, I think it's superb, and I feel very very happy about it because. The reason why I chose an MTV show was this, because I wanted to be colloquial and be relatable to the youth today, and I've always believed in making a lot of youth programming. Jitna bhi maine as a producer, writer, director kiya hai, a lot of work, 90% of that has been youth, chahe wo gumrah ho, aashiqui ho, yaariyan ho, splits raha ho, but I just feel that somehow there is not enough programming for youth. I just feel that बहुत कम है, जी सीज में इतना बनता नहीं है, फिक्शन प्रोग्रामिंग बंद हो गई है, सो आई जस्ट जितना हम कर सकते हैं उतना ही कम है। उसके अलावा अगर मैं वरुण और दिव्या की बात करूँ, वो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, उसमें आए थे, अब एक रिश्ता एक अलग मकाम पे जा रहा है, क्या ये प्लान करा हुआ है और इट जस्ट हैपेंड? फॉर एग्जांपल मैं जसलीन मथारू का एग्जांपल दूं, अनुप जलोटा का एग्जांपल दूं, एक्चुअली ये प्लान तो नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी उसके करने की, पर आई डोंट रियली अग्री विद दिस ऑल्सो बिकॉज आई फील एंड दैट्स द एडवाइस आई वुड हैव गिवन देम इफ दे वर आउट ऑफ द हाउस ऑल्सो, कि क्या होता है ना, वैन यू आर इनसाइड अ कैप्टिव रियलिटी शो, जैसे कि बिग बॉस का घर हो गया या मेरा घर हो गया ये सब स्पेस में, तो क्या होता है वहाँ पर ना, जो भी इमोशन आप फील कर रहे होते हो उसको इंटू 10 कर दो, बिकॉज आपको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, प्यार आता है तो कोई और है नहीं ना, माँ नहीं है, पापा नहीं है, भाई बहन दोस्त नहीं है, तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उस पर फिर सारा प्यार उसी पे उमड़ आता है, तो लगता है यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, तो वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे शोज़ पर जो भी इमोशन आपको आ रहा है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए इस लेवल पे, कि आप जब बाहर आओगे तो प्रायोरिटीज़ पता चलेंगी, ऑप्शंस पता चलेंगे, अभी केवल आपको दिव्या दिख रही है, जब आप बाहर जाओगे तो दिव्या के साथ साथ तीन और लोग दिखेंगे, मोमा डैड दिखेंगे, दिव्या को उसके बाहर जाएगी तो उसको काम दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी और फैमिली दिखेगी, तो उसके एक महीने के बाद जब ये लोग बोलेंगे ना वी स्टिल लव ईच अदर, तो मैं बोलूँगा हाँ प्लीज़ आओ, ऑल वेलकम। अभी यहाँ पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो गुस्सा होता है, जो प्यार होता है, जो दोस्ती होती है, वो यहीं तक सीमित होती है, बिकॉज एक शो है, एक अलग ही दुनिया है, ये दुनिया के बाहर जो एक्चुअल दुनिया है वहाँ जाएंगे, तो अब ये इमोशंस अगर वहाँ भी टिके रहते हैं देन इट्स ग्रेट।
apart from it, it's also said you are the most lovable host, you know. Mm-hmm. Itne, itne pyaar se har kisi ko handle karna, baat karna, samjhana, kehna, jo bhi aap on screen dikhta hai, log pasand kar rahe hai, us baare mein kya kehna chahenge, because bilkul ulat hai, matlab ulta andaaz hai aapka Salman ki agar main baat karu, agar if I'll compare with Salman Khan, so kabhi kabhi bahut gussa bhi ho jate hain, kabhi kabhi shant bhi hote hain, lekin aap to hamesha bahut sweet. Main, comparison should never be done with him at all, but in terms of hosting, no, I'm the most unusual host for MTV also. Everyone starts in a certain way and I'm someone jo waise hi bolta kaise bhaiya, because that's me. I can talk like this, I can talk in a completely different language, but mera hamesha hota hai jahan par mujhe maza aa raha hota hai aur man kar raha hota hai main waise kaam karta hu. Aur jahan tak rahi baat samjhane ki, gussa, aisa nahi ki main gussa nahi hota, gussa hota hu. Jaise meri Diwali ka dinner family ke sath cancel ho gaya, puja kar raha tha, mujhe bhag ke yahan pe aana pada. पर मुझे हमेशा लगता है कि बिग बॉस ने मुझे ना बहुत बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया है. वहाँ पर रहकर जो पेशेंस सीखी मैंने, जो अंडरस्टैंडिंग समझी मैंने, और उसके बाद जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए, मेरा एक ही एम रहा था एस ऑफ स्पेस करते वक्त कि एस ऑफ स्पेस ना एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये सब लोग आ रहे हैं, एंड मेरा मतलब है कि अगर मैं उनको इन टास्क के थ्रू, चॉइसिस के थ्रू, लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स बता पाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा. जैसे कि आई रिमेंबर शहजाद देओल, जिसने कहा था मैनिपुलेशन बड़ी ख़राब चीज़ होती है, मैनिपुलेशन तो ख़राब ही होता है. तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैनिपुलेशन अगर किसी के बुरे के लिए करो तो ख़राब होता है, लेकिन अगर अपने अच्छे के लिए करो तो वो बुरा नहीं होता है. अभी जाकर उसने टिकट टू फिनाले जीता है, उसमें उसने क्या किया था, तीन ताले थे और सबको चाबियाँ देनी थी, उसे कोई जिताना नहीं चाह रहा था, वो सेकेंड या थर्ड चॉइस था. तो उसने क्या किया कि मुझे दे दो अगर तुम्हारी चाबी नहीं लग रही होगी. उसका सेकंड ताला खुल गया था, उसने छुपाया वो ताला कि खुला नहीं है, तो लोगों ने तीसरे ताले की चाबी दे दी उसको और उसने वो खोल लिया और उसने बोला मेरा सेकंड ताला भी खुल गया था. तो मैंने कहा यही होता है मैनिपुलेशन, और ये मैनिपुलेशन किसी को के लिए ख़राब नहीं था, तुम्हारे लिए अच्छा था. तो लाइफ में बहुत कड़वे सच होते हैं, उसको अगर आप समझा पाओ ढंग से किसी को तो वो इंसान को समझ में आता है. आई थिंक दैट्स वॉट दी आइडिया रियली इज़, टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. आई विश कोई मुझे समझाता ऐसा तो मेरी लाइफ थोड़ी सी लेस सैड होती. कोई ऐसा कंटेंट जो आपको लगता है कि इसने ग्रो किया है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, व्हाइल बीइंग इन एस ऑफ स्पेस? बीइंग इन एस ऑफ स्पेस, हर एक कंटेस्टेंट ने ना अपनी जर्नी करी है. प्रतीक सहजपाल आया था पहले हफ्ते चीखने चिल्लाते हुए, बिल्कुल अल्फा मेल बनकर, और अब उसका अगर आप देखोगे, ही इज बिकम वन ऑफ द नाइसेस्ट कंटेस्टेंट देयर इज. वरुण फ्रॉम द मैं सबसे बेस्ट हूँ टू अंडरस्टैंडिंग एंड बिकमिंग हम्बल अगैन. शहजाद देओल, ही इज वंडरफुल. वो बीच में तो भाग रहा था, मेरे को रहना ही नहीं है, अभी वो फिनाले में है ऑलमोस्ट. सो आई जस्ट फील दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी इन दिस हाउस, एंड आई एम ग्लैड दैट देयर इवॉल्विंग, एंड आई रियली होप दैट दे ऑल टर्न आउट बी सक्सेसफुल. आपने भी पहले भी कह दिया, मैंने देखा आप मेरे पत्रकार मित्र से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई फेवरेट होता है या जिसके लिए सॉफ्ट कॉर्न होता है कि यार ये मुझे अच्छा लगता है? मेरे ना पहले थे फेवरेट, अब नहीं रह गए. एक फेवरेट थी मेरी, वो चली गई, रिया सुबोध. मुझे लगता था रिया सुबोध में ना बहुत ज़्यादा अंडरडॉग, देसीपना वाली फीलिंग थी, तो बड़ी कोशिश करती थी, स्टार्टिंग से कोशिश करती थी, बड़ी मेहनत करती थी, और फिर वो चली गई, तो मुझे बड़ा सैड हुआ, मुझे लगता था उसे जाना नहीं चाहिए था. कि बिग बॉस को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या फॉलो कर रहे हैं, और ये जो टैग आप जिसमें मैं बात करता हूँ मास्टरमाइंड, इस बात से कितनी खुशी होती है, कितना इमोशनली अटैच हैं आप जब मैं मास्टरमाइंड की बात मैं नहीं टैग मैं... हो गया, और क्या आपको लगता है कि अब कुछ और होना चाहिए? मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रह गई है मास्टरमाइंड से या किसी भी टैग से. एक ही टैग से मुझे थोड़ी सी अटैचमेंट है, वो है गुची बू, बिकॉज वो हमारी फैमिली में हम जिसको भी प्यार करते हैं उसको प्यार से बोलते हैं. ये जो मास्टरमाइंड का टैग था, वो मुझे कोई सी ने इसलिए नहीं दिया था कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मुझे चुड़ाने के लिए दिया था कि अरे ज़्यादा मास्टरमाइंड मत बनो, इंटेलिजेंट ना. बट सी द इन दिस कंट्री ऑफ इंडिया, व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि अगर कोई इंसान को आप मास्टरमाइंड बोलते हो तो सब लोग उसे नेगेटिवली लेते हैं, अरे बहुत ज़्यादा चालाक है. अगर कोई आप इंसान से बोलो अम्बिशियस है तो बोलते अरे ये तो बहुत अम्बिशियस है. अम्बिशियस होना या समझदार होना कोई बुरी बात नहीं होती, पर ये सिखाना और समझाना लोगों को बड़ी मशक्कत लगती है. मास्टरमाइंड का मतलब ये नहीं होता कि कोई शर्लॉक होम्स है, मास्टरमाइंड का मतलब ये होता है कि आप कॉमन सेंस के साथ, दिल के साथ काम बैलेंस आउट कर रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो. पर जहाँ तक मास्टरमाइंड का है, आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल इट हैज़ हार्म्ड मी,
बिकॉज आप जिससे भी मिलते हो वहाँ पर लोगों को लगता है बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली आई डिसाइडेड टू मेक दैट इनटू वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स एंड दैट्स हाउ आई एम प्लेइंग ऑन एस ऑफ स्पेस ऑल्सो. पर जैसे आपने कहा ना, आप बहुत अच्छे होस्ट हो, बहुत प्यार से समझाते हो, वो वही तो मास्टरमाइंड वाली बात है कि आप किसी को वो बात बोलो जो उसे समझनी है उसकी लैंग्वेज में और वो समझ जाए बिना कुछ बुरा फील किए. तो आई थिंक दैट्स वॉट यू शुड बी डूइंग इन लाइफ. ओके विकास, शिल्पा ने ट्विटर पे बहुत कुछ कहा है अभी, बहुत बहुत खरम है. जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ क्या ट्रेंड कर रहा है जी, इसने ये कहा है, अच्छा जी फॉलो करो. शिल्पा ने कहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिल्पा जी ने अभी ट्वीट किया था कल कि सलमान खान को फोर्स किया गया है विकास के थ्रू कुछ कहने करने के लिए. फिर उन्होंने कहा था कि वाईकॉम ने जान पूछ के उनको नेगेटिव दिखाया है. मुझे पता नहीं क्यों कर रही है शिल्पा जी ऐसा. ऑल आई कैन से इज दैट इधर उधर नाम लाइक थ्रोइंग नेम्स लाइक सलमान खान एंड वाईकॉम एंड कलर्स फॉर सम स्टूपिडिटी इज़ नॉट अ कूल थिंग टू डू. आई थिंक यू शुड टेक दैट सीरियसली बिकॉज आप जो बोलते हो शिल्पा जी, कुछ लोग आपको बहुत मानते हैं, उसे सीरियसली लेने लगेंगे. और वो सीरियसली मत इन चीज़ों में घुसिए बिकॉज ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं. आप काम पे ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, प्लीज़ फोकस ऑन योर वर्क, स्टॉप लिसनिंग टू पीपल. हर कोई आपके पास आकर कुछ कहानी सुनाएगा वो सच होगी ये ज़रूरी नहीं होता है. एंड ऑल्सो बिग बॉस हैज़ रियली रैप्ड अप. हमारा वाला बिग बॉस 11 सीज़न ख़त्म हुए, एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया. तो आई जस्ट फील दैट अगर आप सब लोग जो भी आपके साथ हैं, दोनों तीनों लोग, आप सब लोग अगर फोकस करके अपने काम पे ध्यान दोगे तो ये एनर्जी वहाँ जाएगी और ये बेवकूफ़ीपना नहीं आएगा. बिकॉज अभी जो आप लोग कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट लिक. क्या आपको लगता है कि इतना वक्त लेने की क्या जरूरत थी? इतने वक्त के बाद जाग रहे हो या कुछ आप कह रहे हो या कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो या अपनी बात रख रहे हो, उस वक्त भी कही जा सकती थी. हमने आपको शिल्पा के साथ देखा है, हमने इवेंट कवर किए हैं जहाँ आप एक दूसरे के साथ हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं. क्या बोलूँ मैं, पहली बात तो आई थिंक सलमान सर ने क्लियर कर दिया था कि उनको कोई बैन में किसी चीज़ में मेरा हाथ नहीं था. हाँ, मेरा एक हाथ था कि मैंने उनको भाभी जी से जाने दिया. उनको बहुत क्लियरली एक ऑफ़र मिला था जहाँ पर उनके पैसे बढ़ाए जा रहे थे और उन्होंने वो पैसे नहीं बढ़ाए और शो छोड़ दिया. अभी लोग बोल रहे थे कहीं ट्विटर पे, कहाँ पैसे बढ़े, नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने बढ़वाए ही नहीं और सीधे शो छोड़ के चली गई. उनकी जगह हमें रिप्लेस करना पड़ा था किसी और को. 10 दिन तक घूंघट में कोई था, फिर जाके बेचारी शुभांगी अग्री टू कम ऑन द प्रोजेक्ट एंड पुअर प्रोड्यूसर्स वर रनिंग अराउंड एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल हैपेंड. पीपल थॉट द शो माइट नॉट डू वेल. द शो स्टिल कंटिन्यू, स्टिल ऑन एयर है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बहुत अच्छी बात है. डेढ़ साल के बाद उनको रह के याद आया कि उन्होंने प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन केस 1.5 साल के बाद लगाया. तो वो यो जो कहते हैं किसी को परेशान करना, अगर आप किसी को परेशान करने की इतनी कोशिश करेंगे दो तीन साल के बाद, तो स्टूपिडिटी है, रियली स्टूपिडिटी है. आपको आपने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोला कि विकास जी का हाथ नहीं था, बड़े अच्छे इंसान है, अब 1 साल के बाद वापस मेरा हाथ आ गया उसमें. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ में. पहली बात तो आपके ऊपर बैन लगा था, आपको ये बोला गया था, तो अब 2 साल, 1-3 साल पहले की बात है. उसके बाद आप बिग बॉस कर चुके हो, इतना सक्सेसफुल शो कर चुके हो, आप सुपर विनर रह चुके हो, आप उन सब चीज़ों में घुस रहे हो बार बार. एक कुछ लोगों की ना एक प्रकृति होती है लाइफ में, वो होता है दे लाइक टू प्ले विक्टिम एंड दे लाइक द सिंपथी दैट कम्स आउट ऑफ इट. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स द केस हैपनिंग हियर. वो जब खत्म हो गया है, कोई नई प्रॉब्लम लाई है, उससे विक्टिम बनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम थी नहीं, वो ख़त्म हो चुकी है. और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इससे. केवल आप, मतलब सोचिए ना, आप यू ड्रैगिंग अ सलमान खान इनटू अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस, कि उनको कोई फोर्स, कौन फोर्स कर सकता है इंडिया में सलमान खान को टू डू एनीथिंग? प्लीज़ टेल मी दैट, हु कैन फोर्स हिम टू डू और से एनीथिंग? ही इज़ नॉट अ मैन हु कैन बी फोर्स्ड बाय एनीवन एंड लीस्ट बाय मी. हु एम आई? पर आप इतना इंपॉर्टेंस मुझे दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आपकी लाइफ में, बट आई डोंट थिंक आई एम दैट इंपॉर्टेंट इन अदर पीपल्स लाइफ. थैंक यू. बट ओके द लास्ट वन, विकास, इन बातों से आप कितना परेशान होते हैं और आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ता है कि इमेज की बात होती है, समबडी टारगेटिंग योर इमेज, यू नो, समवेयर डाउन द लाइन? तो नॉट वन पर्सन, देयर आर कपल ऑफ पीपल हु आर डूइंग दैट करंटली एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई वुड यू डू दैट. व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी टारगेटिंग अदर पीपल्स इमेजेस इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर ओन? मैंने कहा ना, कुछ लोगों को मैं एक्चुअली कुछ काफ़ी टाइम से ना, आई हैव बीन ट्वीटिंग अबाउट दिस. इट्स कॉल्ड मेंटल इलनेस. दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस विच इज़,
सम पीपल आर सेडिस्ट, उनको मज़ा आता है लोगों को परेशान देख के खुद एक्साइट होने में. कुछ लोगों को डिसऑर्डर्स होते हैं. देर आर कपल ऑफ पीपल हु लाइक टू डू दैट. सम पीपल आर डूइंग इट नॉट बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, सम पीपल वॉन्ट टू बी इन न्यूज, दे वॉन्ट टू बी कलोकियल. सो जो इंसान लाइफ में थोड़ा बेटर कर रहा होता है उसके साथ आप लड़ने लगोगे तो आप न्यूज़ में आ जाते हो. तो हर किसी का अपना रीज़न है, इन चार पांच लोगों का जो भी ये लोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं. अ लॉट कैन बी सेड बाय मी बट व्हाट इज़ द यूज़. लाइक पहले मुझे बहुत अफेक्ट करता था ये सब चीज़ें, एक्चुअली में बहुत अफेक्ट करता था. मुझे लगता था कि यार क्यों कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ ख़राब क्यों बोल रहा है मेरे बारे में. लेकिन अब ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझको. आई एम वेरी सिक्योर इन व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम सेइंग. आई हैव वेरी लिमिटेड पीपल आई लव एंड आई हैव सम पीपल हु लव मी बैक एंड दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, माई वर्क. सो ऑल ऑफ यू हु इज़ ट्राइंग टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, please continue doing it if that makes you happy and if my being in your life is the center of your life's attention is great for me. It's unfortunate for you guys because main aapki life mein important hu to bana rahunga. Itna patience aata kahan se aapne? I you'll be surprised, it comes from some of the people who love me. The way they have been handling me, the way they have been telling me to be, and it takes time but it is happening, and I'm thankful to all of you, specifically Shilpa ji and your entire gang, because aap logo ne mujhe itna strong bana diya hai pichle 1.5 saalon mein aur itni strength de di hai ki I'm very proud of myself. I'm very happy. पहले मैं खाना नहीं खा सकता था अकेले, बिकॉज बोर्डिंग स्कूल का बच्चा हूँ. 100 बच्चे एक साथ खाना खाते थे और हमेशा आई नीडेड समवन टू सिट एंड ईट विद. अब मैं बहुत आराम से अच्छे से खाना खाता हूँ अकेले, इन्जॉय करता हूँ अपने साथ. द लास्ट वन बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस और क्या आप फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं और किससे मानते हैं पोटेंशियल मिल रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये बार बहुत डल रहा? मैंने बिग बॉस पहले भी कभी नहीं देखा ना, मैंने इस बार इतना देखा. उसी टाइम देखा जब जैसे मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ कुछ होता है तो मैं एपिसोड देख लेता हूँ. मैंने इतना फॉलो नहीं किया. इस बार मैं गया था बिग बॉस, तो मैं वहाँ कंटेस्टेंट से मिला था और मुझे काफ़ी लोग बहुत अच्छे लगे थे. मुझे सुर भी बहुत पसंद है, रोमिल भी मुझे अच्छा लगा था, मेघा जी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मेरे दो फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, दीपिका और करणवीर, श्रीशांत है वहाँ पर. तो आई थिंक ओवरऑल नो अभी टॉप 5 में ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं. I feel that Swami was very good, but I don't think वो top 5 पे पहुँच पाएंगी, पर पहुँच जाएंगे मुझे अच्छा लगेगा. पर यही 5 लोग हैं, दीपक इज देयर. सो थैंक यू सो मच. पीने के लिए दे दो कुछ.